पहले तो हम ये जान लें जी कि मैं कौन हूँ, हाँ है ना। तो उसके बाद हम जो है शुरुआत करें उस चीज़ की। जी। मेरा नाम विकास अग्रवाल है जी। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ और 17-18 साल की उम्र से अपना खुद का व्यापार करता हूँ। खुद का व्यापार करते हुए मुझे लगने लगा था, 8-10 साल जब खुद का व्यापार करा तो अच्छा पैसा कमा लिया, गाड़ी खरीद ली, घर बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो मुझे ये लगने लगा था कि क्या यही लाइफ है, सुबह से शाम तक काम करो, रात को आके टीवी देखो, खाना पीना खा के सो जाए। मैं चाहता था कुछ अलग करना। जब लाइफ में कुछ अलग करना होता है तो ढूंढना पड़ता है, और जब ढूंढ रहे थे तो हमें जो है ये इंडस्ट्री मिली। ये इंडस्ट्री होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि आप जो सामान खरीद के ला रहे हो वो सीधे आप मैन्युफैक्चरर से जोड़ रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहा है उससे ही आप जोड़ के वो काम कर रहे हो। वो भी मैं बताऊंगा कैसे होता है। वहाँ पे मुझे दिखा कि बाकी में ये जो चीज़ है हमारे सपनों को पूरा कर सकती है। आप घर में रह रहे हो, आपका नाम क्या रहे हैं? प्रेम प्रेम भी आप घर में रह रहे हो, लेकिन फोटो आपने लगा रखा है बंगलो को, तो क्यों लगा रखा? कहीं ना कहीं सोच होगी कि यार इसमें से भी घर हो सकता है हमारा। बताओ, सोचने में तो है कि हाँ, कुछ करा था, वही बनाया इस मकान। अगर प्रेम भैया अगर सच में इसमें का मकान बनाने हो ना तो वो बनाने का मौका देगी ये कंपनी, है ना। ये बनाने का मौका देगी वो कंपनी, इसलिए हमने ये शुरू करा। जो हम गाड़ी चला रहे हैं उससे बड़ी गाड़ी खरीदने का मौका देती है। हम सभी को जो है कुछ चीज़ें रहती है कॉमन, सबको चाहिए होती है। एक होता है घूमने फिरने को मिले, देश में विदेश में यात्रा करने का मौका मिले। दूसरा होता है अपना खुद का घर बना लें हम। तीसरा होता है हमारे को जो है कि हम अपने लिए अच्छी सी कार खरीदें। तो इस चीज़ के लिए मैं बात करी कि मैं इस इंडस्ट्री में आया। अच्छा, हम समझते हैं कि ये जो है हम सभी लोग क्या हैं, कस्टमर हैं। सारा सामान जो बाजार से होता है वो खरीद के लाते हैं MRP पर। ऐसा तो नहीं होता कि डिस्काउंट पे मिलता होगा सामान? हाँ होता है, वो तो जो छपी हुई है उस पर मिलता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे। 100 रुपए की अगर कोई चीज खरीदी हमने तो कितने की बनी हुई होती होगी कुछ अंदाज? यहाँ पर हम रिटेलर से लाते हैं, जो दुकानदार हमारा आसपास होता है वो लाता है होलसेलर से, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो लाता है CNTEP से, और फिर वो खरीदता है मैन्युफैक्चरर से। इन सब का मुनाफा उसमें जुड़ा हुआ होता है। यहाँ अगर हम बात करें तो 40 रुपये में कोई भी चीज़ बनके तैयार हो जाती है और ये कंपनी अपने से बाहर निकाल देती है। हम तक आते आते 100 रुपये का क्यों हुआ है? 30% जो मार्जिन है वो इन सारे लोगों के बीच में बढ़ता है, गुड आफ्टरनून। और कैसे अगर हम बात करें दूसरी जी, तो एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कुछ लोग आते हैं, है? कौन लोग होते हैं वो? अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, वीडियो बनाना, माधुरी दीक्षित, सचिन तेंदुलकर, ये सारे लोग क्या सच्चाई बोल रहे होते हैं? माधुरी दीक्षित बोलती थी आके कि अपना जो है लक्स साबुन से नहाती हूँ, मेरी खूबसूरती का राज लक्स साबुन। क्या वो अपने पेड़ की एरी में भी लगाती हूँ साबुन? आज अमिताभ बच्चन बोलते हैं नवरत्न तेल 27 रुपए की लगा रहे हैं, जाने जो होता है। आज 60 साल की उम्र में वो मैगी का एक्ट कर रहे हैं, 2 रुपए की मैगी बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो पैसा तो कमा रहे हैं लेकिन सच्चाई नहीं बोल रहा। ये 60 रुपए जो है मैं कहा जाता है इन सब लोगों के बीच में, लेकिन हमारी जेब से जा रहा है। हम इस्तेमाल क्या क्या करते हैं प्रेम भैया? अभी आपने बताया
साबुन साबुन सरफ शैम्पू है ना, सर्फ मतलब कि कपड़े धोने का पाउडर है ना, और बालों में तेल लगाते हैं तो हेयर ऑयल ना, इसके अलावा टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं, टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उंगली से पेस्ट तो नहीं करते ना, साथ में हम चाय पीते हैं, अभी पी रहे हैं चाय, कॉफी तो कभी सभी कुकिंग ऑयल आने के तेल करते ना, थोड़ी आगे कर दो अपने लोग मशीन कर दी, हम आपने कर दी साथ में, हम ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हाँ बहुत सारी बर्तन धोने का क्रीम पाउडर आते हैं ना, ये सारी चीजों पे लगभग कितने रुपए महीने का खर्च कर देते हो? आ जाइए आ जाइए, बहुत पैसा खर्च हो जाए, मतलब साल में तो हमने जोड़ नहीं पाए, सिटी में तो आप हर महीने कितने का ले आ जाओ भैया, आ जाइए आ जाइए इधर बैठ जाइए, हर महीने कितने का ले आते हो तुम? अब हिसाब तो नहीं लगा लेकिन काफी पैसा लगा, तो आगे तक हर महीने, अरे कल सब 1500 सामान तो आएगा, 1500 का सामान आ जाएगा, आ जाए बिल्कुल आ जाए, ये 1000 रुपए का जो सामान आया इसमें झूठ भी क्या है, नहीं सही है, और क्या है, ज्यादा ही जाता है वो तो अपन अंदाज, गांव में तो ज्यादा करते, सिटी में फिर भी अंदाज अंदाज करते, अब ये जो 1000-1500 रुपए हमारे खर्च हुए इस पे जो है हमें 100 रुपए की कभी इनकम आई क्या? इनकम नहीं, अगर हमारे साथ में कोई बच्चे चले जाए तो क्या दुकानदार उनको टॉफी दे देता फ्री में? क्या नहीं देता, ले भैया बच्चा ले जा, हम अपने आसपास के रामू श्रामू से ही खरीद के लाते हैं, जो भी दुकानदार उससे खरीद के आते हैं, अरे किसी पंडित जी ने ऐसा मुहूर्त तो नहीं निकाल दिया ना कि भैया इन्हीं से खरीदना, किसी और से मत खरीदो, ऐसा कुछ तो नहीं होता है, तो हम अपनी दुकान को बदल सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ से हमने सिर्फ शॉप चेंज करी और वेस्टीज कंपनी से लेना शुरू करा, तो आज तक हमें क्या फायदा नहीं हो रहा था और यहाँ से क्या फायदा होगा वो बता दूंगा। पहला, हमें इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेंगे, दूसरा जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो MRP पे लेना पसंद करोगे या डिस्काउंट कार्ड पे होलसेल रेट का ना, डिस्काउंट पे लेंगे बिल्कुल 10% से 20% तक का डिस्काउंट, ये दुकानदारों को क्या हो रहा था, हाँ रिटर्न मिला था बोनस के रूप में, वो बोनस भी हमें मिलेगा कितना 5% से लेकर 3%, और ये जो बोनस होगा हर महीने जुड़ता जाता है, तो ये 5 से जुड़ते 20 पे पहुँच जाता है। आपने अभी बताया आप महीना कोई खराब नहीं रखा, लेकिन जो दुकानदार जो है वो बेचता उस हिसाब से रखा, ये कंपनी आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट का हिसाब रखती है कि आपने कितने का खरीदा, उसी हिसाब से वो हर महीने उसको जोड़ती जाएगी, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। चौथी चीज ऑफर, ऑफर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, जो दुकानदारों के पास तो आते हैं लेकिन दुकानदार जो है उनको देता नहीं है, 10 पेटी साबुन खरीदी 2 पेटी फ्री वो आपको दे देगा, आप पहले समझो समझो पहले उस चीज को बता, हम जो है वाले ऑफर भी मिलेंगे यहाँ पे, जो दुकानदार किसी को नहीं देता, 10 पेटी साबुन खरीदा 2 पेटी साबुन दुकानदार के पास फ्री आएगा, वो नहीं देता तो वो भी मिलेगा कितना 10% से 30% का ऑफर।
हमने सिर्फ अपनी दुकान बदली है, रामू शामू से जो सामान खरीद के ला रहे थे वो वहाँ से ना ला के हमने वेस्टीज कंपनी से लेना शुरू करा, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट मिला, एमआरपी पर हमें डिस्काउंट प्राइस मिला 10-20% का, बोनस मिला हमें 5-20% का, वो भी जोड़ते क्रम में क्योंकि कंपनी उसका पूरा हिसाब रखती है, और ऑफर्स हमें मिले 10-30%, इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 5 और 10 कितना होगा, 10, 5 और 10 25, 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
यहाँ सिर्फ दुकान बदली करने से जो अभी तक मुनाफा नहीं हो रहा था वो होगा 25% से लेके 70% तक। और उसके लिए करना क्या है, अपना एक आधार कार्ड की कॉपी देनी है, आधार कार्ड हो या वोटर आईडी कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो उसकी कॉपी देनी है, और अपना मोबाइल नंबर बताना है ना? इससे आपका जो है यहाँ पे एक डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा और इस डिस्काउंट कार्ड के बाद आपको ये बेनिफिट आना शुरू हो जाएगा। कोई मुश्किल काम है? कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल दुकान बदलनी है हमें, दुकान चेंज करनी है बस। अभी जिस किराने वाले से ले रहे थे उससे नहीं लेना, अभी ये काका बेच रहे हैं गाड़ी में रख के पड़ा चलती फिरती दुकान। अब इससे हमें फायदा क्या मिलेगा वो बता, हम सब लोग पैसा खर्च करते हैं तो क्वालिटी खरीद के लाना चाहते हैं या अपना जो है ना खराब पूरा खरीद के लाना चाहते हैं? आप तो कोई भी नहीं खरीदना चाहते, चाहते तो क्वालिटी सभी लोग चाहते हैं, क्वालिटी तो क्या बाकी में हम क्वालिटी खरीद के ला पाते हैं नहीं ला पाते वो मैं बताऊंगा। आपको भी चाहिए तो अच्छा क्या है कि लोग बेवकूफ बना के नकली देते हैं, बिल्कुल सही बात बोली आपने, क्या है दुकानदार नकली अगर थमा दे तो वो भी आते हैं, दुकानदार घर में नहीं बनाता, कंपनियों को ही आता है, आता है वो तो अलग अलग। और हम नकली कंपनियों की बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों की जिससे हम सब लोग खरीद के लाते हैं। अब ये बाबा रामदेव का चेहरा धोने का अच्छी कंपनी, बाबा रामदेव देसी प्रोडक्ट बना रहे हैं सब, ये बाबा रामदेव का है अच्छा, ये धन क्रांति है ना। अब हमारे पास जो है वो है वेस्टीज कंपनी का धन पेट्रो, ये किस्सा है बोलते हैं वो वोटिंग तो वही करेगा पकड़े। अच्छा कितने लोग हैं जो रोजाना साबुन से नहाते हैं? नहीं मैंने कहा गांव में बैठा हूँ तो ऐसा नहीं कोई मिट्टी से नहा रहा हूँ, उल्टा नहीं मिट्टी तो पड़ती है सर, पहले बोला पहले मिट्टी से नहाते है ना, इसीलिए आज तो ये पड़ा साहब पहले हम मिट्टी से नहाते हैं, लगा कोई भी आप इधर ध्यान दो, हम आपको कुछ दाम की बात बता रहे हैं वो तो रखे नहीं थोड़ी सी मैं तो बता रही कोई अपने सुनिए अपनी मर्जी हो तो ना भी तो जो जाए कंपनी है कोई बाहर का नहीं आप संजय मैडम सर फेन ऑफ करें फेन ऑफ कर दो मैडम जी ने हम सभी लोग नहाते क्यों हैं? पसीना आता है साथ में हम लोगों को धूल मिट्टी लग जाती है और हमारी बॉडी ऑयल भी छोड़ती है, ये डॉक्टर जो है घाव साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं विटामिन, मतलब हमारे शरीर में एंटीसेप्टिक का काम करता है ना, इसलिए जो है इसको हम ले रहे हैं शरीर को गंदा करने के लिए, काले कलर का होता है तो शरीर गंदा दिखने लगेगा, इसका मतलब पानी गंदा दिख जाएगा। ये साबुन कैसा है?
देखो सबसे ज्यादा बिकता है, सबसे महंगा डब साबुन है, 100 ग्राम आता है 70 रुपए का, और बताते हैं सबसे अच्छा है दूध मलाई से बना हुआ। अगर ये साबुन अच्छा है तो हमारे जो साबुन होंगे वो भी अच्छे हैं, अगर ये साबुन अच्छा नहीं है तो हमारे साबुन भी अच्छे नहीं होंगे। ये बेस्टीज कंपनी का, हमारी कंपनी का साबुन है। नीम, तुलसी और पुदीने से अगर कोई नहाए तो कैसा रहेगा, बस ये उसी से बना हुआ। हम मिला रहे हैं बेस्टी से साबुन का, आप इसको सबको सूंघ के लेके कैसे खिलवा रहे हैं। हाँ महंगा तो है, सही पूछा आपने, 35 रुपए का 100 ग्राम आता है, और डिस्काउंट कार्ड बनवा लेंगे अपना आधार कार्ड देखिए तो 30 रुपए का पड़ेगा, और उसके बाद भी 1 रुपया और मिल जाए बाद में कहीं भी दुकान पर मिलेगा, कहीं भी दुकान इसकी जहाँ पे दुकान है वहाँ से मिले। हाँ आप खुद डिस्ट्रीब्यूटर बन जाओ, और इसकी दुकान फंडा पे भी है वहाँ से ला सकते हो, नहीं वो भोपाल में है वहाँ से ला सकते हो, नहीं तो यहाँ पे अगर घर पे चाहो बैठे बैठे मिल जाए तो घर पे भी आ सकता है ना, वो भी हो सकता है। इसको आप खोलिए, मिलाइए इसको, दादा आप खोल दो ऐसे, बोलिए अच्छे से मिलाइए, ये हम लोग को निकाले कैसा है देख लेंगे, सूंघ के देखिए कैसा है, सूंघ के देखो साबुन जो है साबुन को चम्मच से दबा दो हो किसने साफ करा, ये वेस्टीज कंपनी का है, नीम तुलसी पुदीने का बना हुआ, ये डब सबसे महंगा था, अच्छा आपके यहाँ जो है सबसे ज्यादा कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, डॉक्टर का सुझाया हुआ नंबर वन ब्रांड यही है ना, टीवी पे एड आता है कि सारे डॉक्टर इसी को बोलते हैं, है ना। अब ये हम ब्रश में लेते हैं कितना है, कितना लेते हैं या पूरा ब्रश भर के लेते हैं, वो तो आप ऊपर है ज्यादा भी लेता है ब्रश भर के ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि टीवी पे एड देखते हैं कि ब्रश भर के लेना चाहिए, लेना चाहिए मटर के दाने के बराबर। अच्छा हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, दांतों की गंदगी साफ करने के लिए, कितनी बार भी कुल्ला कर लें उसका स्वाद चला जाता मुंह से, नहीं आता ना स्वाद, हम खाना खाएंगे और पानी पिएंगे तो हमारे पेट में जाएगा, हमारे पेट में पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना पचाने के लिए हमारे पेट में होता है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारा टूथपेस्ट जाके मिलता है तो क्या होगा? अच्छा बच्चे लोग जो है स्वाद के लिए करते हैं या दांत साफ करने के लिए करते हैं? बालक बच्चे करते हैं वहाँ के लिए, अपने होशियार बच्चे सब दांत। ये बच्चे भी जो खड़े ना सामने ये चाट जाते होंगे खा जाते होंगे, पूछ लो आप उनसे। आजकल बच्चे क्या पहले के बच्चे थे, अब लेकिन अब जो बच्चे हैं ना कुछ बच्चे वो पढ़ने जाते ना तो समझते हैं उस तो वो चाट भी जाते हैं। हाँ छोटा बालक चाट जाते हैं। देखो ये एसिड डाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो हमारे पेट में पाया जाता है खाना पचाने के लिए। हमारे शरीर में इससे कई गुना ज्यादा जो है अच्छा चूने में पानी डालते हैं क्या होता है? अगर चूने से बोला जाए आपको ब्रश करने को कि दांत साफ कर लेंगे क्या करवा रही कंपनी हमें चूने से ब्रश करवा रही है। डॉक्टर बोलता है अगर आपके पेट में छाले हो गए अल्सर हो गए ना तो उसका कारण आपका टूथपेस्ट हो सकता है। तो मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं वो बोलते हैं विकास आजकल हम पैसा खर्च करके ना बीमारी खरीद के ला रहे हैं। अच्छा हम सब लोग जो है दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं सर बेच काम हो दवाइयाँ इस्तेमाल जो करते हैं हम वो क्यों करते हैं? शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो डॉक्टर हमें उस चीज़ को लिखता है। अब जो दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं वो डॉक्टर के विश्वास को करते हैं, डॉक्टर खुद तो बनाते नहीं है। वो क्या होता है लैब में बनी रिप्रेजेंटेटिव आया उसने बताई मैंने डॉक्टर ने लिखी। अब जो दवाई हम इस्तेमाल करते हैं तो खून की अगर कमी हो जाए तो ये डॉक्टर दवाई लिख के देता है फिजोल जेड आयरन फोलिक गिलेक्सो कंपनी का है, बहुत सारी कंपनियों का आता है। गिलेक्सो नामी कंपनी का ये जो फिजोल जेड है जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उस समय 6 से 7 महीने खिलाया जाता है खून बनना होता ना ऐसे और अगर किसी को खून की कमी हो जाए एनीमिया जिसको बोलते हैं तब भी दिया जाता है। डॉक्टर एक बहुत बड़ी सलाह देते हैं साथ में हरी पत्तियाँ ज़्यादा खाना जूसेस ज़्यादा पीना लौकी का और चुकंदर का गाजर का ना और साथ में ये देते हैं अगर किसी को पतले दस्त हो जाए या कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसको बंद कर देना। लोग बोलते हैं ये जो लोहे की पेन है अगर मैं इसको बोलूँ कि इसको खा लू मैं इसका बुरादा बना देता हूँ खा लू कितने लोग खाना चाहेंगे? कोई नहीं खाओगे क्यों? आंखों देखी मंगी है ना मैग्नेट पकड़ता है इसको लोहे को है ना पता नहीं चुंबक से चुपक जाता है लोहे दादा इसको हाथ में रखो इसको पास में लेके आओ उसके नीचे को तो इसमें क्या है मतलब शुद्ध पौष्टिक लोहा और हमारे घरों में बहुत होता है लोहा इसको जिसके खा ले या इसको खाए बात एक ही हो ना। अब ये जो खा रहे हो ये एक कैप्सूल जो आता है ये आता है करीब करीब 9-9.5 रुपए बोलना नहीं। अच्छा बाबा रामदेव तो आयुर्वेदिक दवाई बना रहे हैं वो तो अच्छा दे रहे होंगे हमें वो तो विश्वास है हमें कि अच्छे दे रहे होंगे ना?
इसके पास में लाना चुप क्या है इसमें भी शुद्ध पौष्टिक लोहा, मतलब लोहे को जला के उसका बुरादा बना के उसकी गोली बनाई गई है, उसमें जो है भरा गया है और उसमें पूरा उतर गया। अब ये खाएंगे तो किडनी और लीवर पे असर होगा कि नहीं होगा? अब पालक के पत्ते को हम खाएं अगर सब्जी बना के या कच्चा, तो उसमें भी आयरन तत्व होता है, उस पे चिपकाना चाहो चिपक जाएगा, मूली पे, गाजर पे, चुकंदर पे, शलजम पे, लौकी पे, इन सब में आयरन तत्व पाया जाता है। इसी तरह से हमारा जो है वेस्टीज कंपनी का आयरन आता है, ये लिखा हुआ है इस पर, आयरन इन फोलिक एसिड। अब आप इस पर चिपका के देखिए, ये आते हैं 250 रुपए के 60 कैप्सूल। पाउडर है खोल कर देख लो। एक महीने इसको खा लिया जाएगा तो 1-2% आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, वजन भी पता चलता था खा लिए कि नहीं, तो नहीं हमारे अपने हो जाएगा। ये जो है आपको कितने का पड़ेगा एक कैप्सूल? अगर 250 रुपए में मिल रहे हैं, 250 रुपए में अगर जो है 60 कैप्सूल मिल रहा है, तो ये कितने का पड़ा? 4 रुपए का करीब। और ये कितने का पड़ रहा है? 9 रुपए का। इनका भी लेके आओ और बीमारी भी लेके आओ, और ये सस्ता और अच्छा, बीमारी खत्म कर। अच्छा, दिल की बीमारी आजकल बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है। क्यों आ जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हम तेल खाते हैं, घी खाते हैं, वो जाके कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमना शुरू हो जाता है। मेडिकल साइंस में अभी तक ये चीज निकल के नहीं आ पाई है कि उस कोलेस्ट्रॉल को जमने से कैसे रोका जाए। वो इलाज क्या करते हैं मेडिकल साइंस में? एंजियोग्राफी करते हैं, उसकी सफाई कर दी, एंजियोप्लास्टी कर दी, वॉल्व डाल दिया, या फिर बायपास करते हैं, लेकिन उसको रोकने का कोई भी उपाय नहीं है। किसी चीज की रोकथाम ज्यादा अच्छी है या उसको जो है बार बार उसका इलाज अच्छा है? अगर आपके खेत में जो है खरपतवार बार बार निकल रही है, तो उसकी रोकथाम करना ज्यादा अच्छा है या बार बार उसको कटाई करना अच्छा है? ये वो चीज है जिससे वो रुक जाता है, जमेगी नहीं नसों में। अलसी का तेल है इसमें, अलसी आप सब लोग जानते होंगे, और मैं आप लोगों से पूछूं अगर, तो पहले गेहूं के साथ अलसी हम लोग पिसवाते थे, 10 किलो गेहूं पिस रहा है आटा, तो उसमें 2 या 3 किलो अलसी होती थी, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 मिलता है। और अब अलसी अलग से बेची जा रही है और खाई जा रही है, तो अलसी नहीं हो रही अरे तो अलसी तो गेहूं में से निकाल के फेंक देते हैं। अब ये काम क्या करता है अलसी का तेल? हमारे शरीर को जो है फैट की जरूरत है, हमारा फैट जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता अच्छा और एक होता बुरा। ये है अच्छा फैट, जो हमारे शरीर में स्किन दिख रही है वो फैट से बनी हुई है, हमारा दिमाग 80% फैट से बना हुआ है,
हमारे जितने भी ऑर्गन है उसके आस पास उसी से वो जुड़ा हुआ है बस। हम अच्छा फैट खाएंगे अगर तो तेल घी, आजकल लोग चीज खा रहे हैं, वो ज्यादा बटर खा रहे हैं, उससे जो बुरा फैट मिल रहा है वो इसको काटेगा तो हमारे शरीर में हार्ट की जो तकलीफ है, ब्रेन हेमरेज की जो तकलीफ है वो कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? ये क्या है? थर्माकोल। थर्माकोल क्या काम करता है? सिर्फ पैकिंग के काम में आता है, पेट्रोलियम का लास्ट प्रोडक्ट है। इसको पानी में गलाएंगे गलेगा नहीं, जमीन में गाड़ देंगे तो 25 साल बाद भी ऐसा कैसा निकलेगा। इसी तरह से हमारे हार्ट के कोलेस्ट्रॉल की हालत है कि वो जम जाता है तो बाईपास भी करते तो उस नस को ही वहीं पे ब्लॉक करके छोड़ दो, वो हटते ही नहीं है। ये भी वही है, वो भी वही है। आकाश विशाल चलो कुछ कर पंखा बंद करना क्या?